I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. This is my email ID, and this time I am going to discuss with you all a very important topic, that is equality of educational opportunities, means Shaikshik Avasaron Ki Samanta. And sorry. And this topic is useful for various competitive teaching examinations as well as for your regular BA, MA and professional BA, MA courses. So let's start. First of all, हम बात करेंगे जब शैक्षिक अवसरों की समानता की तो एक रिपोर्ट की बात करेंगे हम, कोलमैन रिपोर्ट. जनरली हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, बट ये जो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी शब्द है, ये जो कोटेशन है, ये जो टैगलाइन है, ये यहीं से आया है. कहां से? In 1964, a team of researchers led by James Coleman was given the task of assessing the lack of equality of educational opportunities among racial and other groups in the United States. यानी कि अमेरिका में 1964 में एक शोधकर्ताओं की टीम को James Coleman लीड कर रहे थे और उनको ये टास्क दिया गया था कि आप ये पता करिए, assessing, ये आकलन कीजिए कि lack of equality of education opportunity. देखिए, अमेरिका में चूंकि ये बहुत पुराना विवाद रहा है, ये racial जो वहाँ विवाद चला है, मतलब गोरों और कालों के बीच में, यानी कि Africans जो काले थे और जो Americans जो गोरे थे, उनके बीच में ये बड़ा विवाद चला, बहुत लंबे समय तक चला. तो ये इनको, ये टीम को ये काम दिया गया कि आप जाँच कीजिए कि क्या देर इज लैक ऑफ इक्वेलिटी, क्या समानता में कोई अंतर है जो रेशियल और अदर ग्रुप्स जो यूनाइटेड स्टेट्स में है उनमें. तो रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च, तो ये जो अनुसंधान किया गया उसका जो परिणाम पब्लिश हुआ 1966 में, उसका नाम ही, हेडिंग ही यही थी, क्योंकि पता ही यही करना था, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी. इस नाम से, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के नाम से ये 1966 में पब्लिश होती है और इसी को कोलमैन रिपोर्ट कहा जाता है. The study began with the controversial and innovative premise that equality of opportunity should be assessed by equality of outcome rather than equality of input. यानी कि जो ये स्टडी शुरू होती है वो इसी कंट्रोवर्शियल और इनोवेटिव प्रिमाइस से शुरू होती है. कंट्रोवर्शियल मतलब इस पे कंट्रोवर्सी है, लोग एक मत नहीं है. और नवाचार क्या, ये कह रहे हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि जब हम अवसरों की समानता की बात करें तो उसका आकलन हमको इक्वालिटी ऑफ आउटकम से निकालना चाहिए. मतलब क्या निकल के आ रहा है वो इक्वल रहे, रादर देन इक्वालिटी ऑफ इनपुट. यानी जो डाला जा रहा है, जिस पे काम हो रहा है, वो उसकी बात ना कीजिए, बल्कि जो निकल के आ रहा है उसकी इक्वालिटी की बात कीजिए. यहाँ से स्टडी शुरू हुई. फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज पॉसिबल टू प्रोवाइड एन इन्फॉर्म्ड आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ मच एंड इन व्हाट वे स्कूल्स वर एबल टू ओवरकम द इनइक्वालिटीज विद व्हिच चिल्ड्रन केम टू स्कूल. यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसी रिसर्च हुई जिसने ऐसा उत्तर दिया जो ये बता सका कि कितना और किस तरीके से जो विद्यालय हैं वो योग्य हैं, किसके योग्य हैं, कि टू ओवरकम द इनइक्वालिटीज, यानी कि जो असमानताएं हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं विद विच चिल्ड्रन केम टू स्कूल. कहने का मतलब है कि बच्चे जो हैं, जो विद्यार्थी आ रहे हैं, वो विभिन्न इनइक्वालिटीज के साथ आ रहे हैं, लेकिन जो वो निकले तो वो इक्वल होके निकले. इस तरीके की बात पहली बार आई है सामने. Coleman himself later argued that the most important research findings of the study were twofold. बाद में कोलमैन ने भी कहा कि जो रिसर्च की फाइंडिंग्स है, जो अनुसंधान के जो नतीजे आए हैं, वो दो मुख्य, दो तरीके से आप उसको बांट सकते हैं. कौन कौन सा? फर्स्ट इट शोड, पहला उसने बताया कि दैट वेरिएशंस इन स्कूल क्वालिटी शोड लिटिल एसोसिएशन विद लेवल्स ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट व्हेन स्टूडेंट्स ऑफ कंपेरेबल सोशल बैकग्राउंड वर कंपेयर्ड अक्रॉस स्कूल्स. वो कह रहे हैं कि जब लगभग एक समान सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चों की तुलना की जाए स्कूल्स के अक्रॉस, तो स्कूल क्वालिटी शोड लिटिल एसोसिएशन विद लेवल्स ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट. यानी कि तब जो उनमें एसोसिएशन आता है, जो सहसंबंध आता है उनके लेवल में, उनके शैक्षिक स्तरों में, उसमें थोड़ा एसोसिएशन होता है, मतलब लिटिल होता है. और दूसरा क्या, स्टूडेंट्स एजुकेशनल अटेनमेंट वाज नॉट ओनली रिलेटेड टू हिज और हर ओन फैमिली बैकग्राउंड बट आल्सो टू द बैकग्राउंड ऑफ अदर स्टूडेंट्स इन स्कूल. तो दो तरीके का, आप ये कह सकते हैं टू फोल्ड इसका रिजल्ट आया. पहला ये इन्होंने बताया कि वेरिएशन इन स्कूल क्वालिटी, यानी कि जो स्कूल की विद्यालयों की गुणवत्ता में जो अंतर है
वो लिटिल एसोसिएशन शो करता है, मतलब उसका सह संबंध कम है किसके साथ, कि लेवल्स ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट, बच्चे जो पाते हैं, जो उनको जो उनकी पावती है जिसको लेकर वो निकलते हैं, मीन स्टूडेंट्स ऑफ कंपेरेबल सोशल बैकग्राउंड्स वर कंपेयर्ड अक्रॉस स्कूल्स, यानी कि एक जैसे सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चों को जब विद्यालय के अंतर्गत उनकी तुलना की गई तो उनके लेवल ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट और वेरिएशन इन स्कूल क्वालिटी में थोड़ा सा ही एसोसिएशन था, यानी कि ज्यादा एसोसिएशन नहीं था, यानी कि स्कूल की क्वालिटी उनके लेवल ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट में इसके साथ कोई सहसंबंध, बहुत छोटा सा सहसंबंध शो कर रही थी जब वो समान सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चों की तुलना की गई, तो पहली बात तो ये, और दूसरी ये कि जो स्कूल जो विद्यार्थी है उसका जो एजुकेशनल अटेनमेंट है, जो उसने सीखा है, वो न केवल उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता है, बल्कि जो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी सामाजिक या पृष्ठभूमि से भी संबंध रखता है। तो ये दो रिपोर्ट कहने का मतलब है कि हमको पता तो होना चाहिए इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी शब्द आया कहां से शिक्षा की गलियारों में इतनी बात होने लगी शैक्षिक अवसरों की समानता, तो शुरुआत इसलिए हुई थी। तो कभी कोलमैन रिपोर्ट की कोई बात हो, कोई आपसे पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि कोलमैन रिपोर्ट इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी का ही नाम है, उसी को चूंकि जेम्स कोलमैन इसको लीड कर रहे थे तो उसको कोलमैन की रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर जब हम शैक्षिक अवसरों की समानता की बात करें तो हमें दो शब्द पता होना चाहिए, वैसे इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ आपसे, लेकिन फिर जानिए कि कंसेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, क्या अंतर है समता और समानता में। तो जानते हैं डी कॉर्सन ने 2001 में कहा कि द टर्म इक्वालिटी, कह रहे हैं कि जब समानता की बात होगी, बेसिकली मीन्स उसका मूलभूत अर्थ क्या है, द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि हम समाज के किसी भी अंग को, किसी भी भाग को जब कोई विशेष विशेषाधिकार न दे, वो क्या है समानता है, मतलब हम सबको समान ट्रीट कर रहे हैं। एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, है ना, यानी कि हम सभी लोगों को, जितने भी इंडिविजुअल हैं उनको हम समान या पर्याप्त अवसर दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दे रहे हैं, तो ये समानता हो गई। और इक्विटी क्या होगा, द इक्विटी कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद फेयरनेस और जस्टिस, लेकिन जब हम न्याय की बात करें, और न्याय की बात कब करेंगे, कब न्याय की बात हो जाएगी, जब जिसके पास कम हो उसको ज्यादा देंगे, है ना, तभी तो न्याय होगा, जिसके पास ज्यादा है उसको कम दीजिए, जिसके पास कम है उसको ज्यादा दीजिए, न्याय तो तभी होगा। इन द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन और अदर बेनिफिट्स एंड इट टेक्स इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस इनटू कंसीडरेशन, यानी कि इक्विटी की बात भी, ये भी एक तरीके से जस्टिस, फेयरनेस और सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है, लेकिन इसमें हम ये ध्यान देते हैं कि जिस इंडिविजुअल के साथ हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी सर्कमस्टेंस को ध्यान में देते हैं, जबकि इक्वालिटी में क्या होता है, हम ये नहीं देखते हैं किसके पास क्या है क्या नहीं है, बस हम सबको समान देखते हैं, किसी किस्म कोई भेदभाव नहीं करते, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं देते। ये अभी आपको ये अंतर और स्पष्ट हो जाएगा। डब्ल्यू जे जैकब 2009 में कहते हैं कि इक्वालिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, यानी इक्वालिटी वो दशा है जब हम कहते हैं हमको बराबर रहना है। बराबर किस टर्म्स में रहना है, क्वांटिटी, यानी हम बराबर मात्रा में देंगे, रैंक भी बराबर आपकी बनाएंगे, स्टेटस भी आपका एक जैसा होगा, वैल्यू, डिग्री, सब, कहीं कोई अंतर नहीं, वो इक्वालिटी है। जबकि इक्विटी इक्विटी में क्या बात होगी, इक्विटी रिफर्स टू ए स्ट्रेटेजिक अप्रोच, यानी कि हम नीति बना के चल रहे हैं इक्विटी में, टू एंश्योर, क्या सुनिश्चित करने के लिए, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज अमंगस्ट डिफरेंटली सिचुएटेड ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि हमने ये सोचा है, सोच विचार के किया हुआ काम इक्विटी है, जब ये सुनिश्चित किया जाए कि जो हम जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, उसका वितरण इस तरीके से करें कि जो हम कंपेंसेट कर सके, यानी कि पार्ट सके वो अंतर जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज का अंतर था। वही कहने की बात हो गई कि हम जिसके पास ज्यादा है उसको कम देंगे, जिसके पास कम है उसको ज्यादा देंगे, ताकि जो अंतर पहले था वो बराबर हो जाए, ये इक्विटी है। जबकि इक्वालिटी ये है कि हम ये देखेंगे ही नहीं किसके पास क्या है क्या नहीं है, हम बस, हमको देना है सबको दो 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 दो, हम दो दो देते चले जाएंगे। समझ मेरी बात। फिर इक्विटी कह रहा है कि इक्विटी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस अंडर विच द इंडिविजुअल्स नीड्स इंटरेस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स आर टेकन इनटू अकाउंट एंड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, यानी कि समता का मतलब एक तरीके से ये न्याय का कंसेप्ट है, एक फेयर हम रहेंगे, किसी के संग कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें व्यक्ति की आवश्यकता, रुचि और रिक्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, ये इक्विटी है। जबकि इक्वालिटी
इक्वेलिटी क्या है? इक्वेलिटी इज ए सिस्टम वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड आइडेंटिकली, जबकि समानता का मतलब है कि हम सबको समान देखेंगे, समान मानेंगे, समान तरीके से ट्रीट करेंगे विदाउट गिविंग एनी अटेंशन टू देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। लेकिन हम उनकी आवश्यकता क्या है उसको ध्यान नहीं दे रहे, जब उनकी आवश्यकता के हिसाब से देंगे तो इक्विटी है, जब सबको बराबर देंगे तो इक्वेलिटी है। ओके, तो इक्वालिटी कब फायदेमंद होगी? इक्वालिटी तब फायदेमंद होगी जब हम जहां से शुरू कर रहे हैं वहां सब समान हो, सब समान थे, हमने सबको समान ट्रीटमेंट दिया तो समान आउटपुट निकलेगा। लेकिन सब असमान थे, कोई ज्यादा था कोई कम था, किसी के पास ज्यादा की आवश्यकता थी किसी को कम की आवश्यकता थी, और हमने सबको एक बराबर दे दिया, तो इक्वालिटी यहाँ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज पे। तो ये इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है ये कहाँ से आया है? तो द नोशन ऑफ इक्वालिटी इज यूजुअली डेटेड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, यानी कि 1789 में जो विशेष एकदम प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति हुई है वहां से समानता का कंसेप्ट आया, क्योंकि वहां से कहा गया कि सबको समान मिलना चाहिए। एंड पॉपुलराइज्ड, और ये पॉपुलर हुआ किस स्लोगन के तहत? अंडर द स्लोगन ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि सबको स्वतंत्रता मिले, सबको समानता मिले, सब बंधुत्व की भावना से रहे, यहाँ से ये इक्वालिटी का कंसेप्ट जो है वो पॉपुलर हुआ है। The very idea continued to flourish till recent times and it is and has been highlighted in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 when the principles of non-discrimination and the right to education were strongly advocated। यानी कह रहे हैं कि 1789 से फ्रांसीसी क्रांति के समय से ये शब्द आया, पॉपुलर हुआ, और तब तक पॉपुलर रहा है, अभी तक पॉपुलर रहा, टिल रिसेंट, जब आपका UDHR आया है, जब आपके मानवाधिकारों की सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा हुई 1948 में, तब तक ये शब्द आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माना गया कि हम किसी के संग विभेद नहीं करेंगे और सभी को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, तो इसका मतलब क्या? इक्वालिटी है। दीज टू प्रिंसिपल्स, कौन कौन से टू प्रिंसिपल्स? एक तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, कि हमको किसी के संग विभेद नहीं करना है, एंड द राइट टू एजुकेशन, और शिक्षा एक कानूनी अधिकार है। इन दो सिद्धांतों ने ही जन्म दिया है इस कंसेप्ट को, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में हम सबको समान अवसर देंगे, सब शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी कि सबको समान शैक्षिक अवसर मिले। तो सी शेषाद्री 1976 में कहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी implies the provision of differential treatment in the form of incentives in favor of the handicapped and underprivileged classes। यानी कि कह रहे हैं कि चूंकि हमने सबको समान देने के लिए कहा है, तो ये किसके फेवर में हो जाएगा? जो हैंडीकैप्ड है, जिसको वैसे कम अवसर मिलते हैं, लेकिन हमने चूंकि कहा है सबको समान मिल रहा है, तो उनको उस हिसाब से ज्यादा मिल जाएगा। उसी तरह से अंडर प्रिविलेज क्लास की बात है। उसी तरह से जेपी नायक उसको 1979 में डिफाइन करते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हैज सेवरल एस्पेक्ट्स, यानी कि जो शैक्षिक अवसरों की समानता का जो संप्रत्यय है उसके बहुत सारे आप कह सकते हैं एस्पेक्ट्स हैं, पक्ष हैं। The most important of them, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? Is the recognition of the right to education, यानी कि शिक्षा एक कानूनी अधिकार है, इसकी पहचान हमको मिली। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है शिक्षा के अवसर सबको समान मिलेंगे as a human right। क्यों? क्योंकि ये मानवाधिकार है, और as the birth right of every individual, और हर जिसने जन्म लिया है, हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल, उसका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि irrespective of, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किस धर्म के हों, किस जाति के हों, किस रेस को बिलोंग करते हों, किस भाषा को बोलने में समझने वाले हों, किस रंग के हों, किस वर्ग के हों, किसी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति को बिलोंग करते हों, आपको शैक्षिक अवसरों की समानता दी जाएगी, यानी आपके संग कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब अगर हम इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज में इंडियन पॉलिसी की बात करें कि भारतवर्ष में क्या चल रहा है इसको लेके, तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट कंट्री, हमारा जो भारतवर्ष है वो एक लोकतंत्रात्मक और सामाजिक नियमों को मानने वाला देश है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, और हमारा संविधान जो है उसने भी एक कमिट किया है कि हम समानता के सिद्धांत को फॉलो करेंगे। वी हैव ऑल्सो एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, और हमने लोकतंत्र को भी स्वीकार किया है कि एक अभिन्न अंग है हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन का। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? इज ए ट्रम्प कार्ड of an egalitarian, democratic and socialistic pattern of society, यानी कि एक समतामूलक, प्रजातांत्रिक और सामाजिक जो pattern के समाज होते हैं उसका ये trump card है, यानी उसके बिना चल नहीं सकता। किसके बिना? जब हम समानता के अवसरों की समानता के बारे में बात करते हैं। According to Dr. S. Radhakrishnan, democracy only provides that all men should have equal opportunities for the development of their unequal talents, यानी कि राधाकृष्णन कहते हैं कि जो लोकतंत्र है, यानी जो प्रजातंत्र है, उसमें क्या होना चाहिए कि सभी को, all men का मतलब women भी है,
कि सभी को समान अवसर दिए जाएं, जो भी उनमें असमान टैलेंट है उसको विकसित करने के लिए सभी को समान अवसर दिए जाएं। एजुकेशन इज वन द इफेक्टिव मीन्स थ्रू विच एवरी सोसाइटी कैन स्ट्राइव फॉर सोशल इक्वालिटी और एटलीस्ट मेक एन एफर्ट टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटीज अमंग देयर मेंबर्स। वो कह रहे हैं कि शिक्षा एक तरीके का बहुत महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा कोई भी समाज जो है वो स्ट्राइव कर सकता है, वो खोज कर सकता है, वो जाने की कोशिश कर सकता है किस तरफ, फॉर सोशल इक्वालिटी, ताकि वहाँ सामाजिक समानता हो जाए, या कम से कम वो कोशिश कर सकता है कि जो सामाजिक असमानताएं उसके मेंबर्स के बीच में विद्यमान है वो कम किया जा सके। This will only be made possible if there is a provision for equalization of educational opportunities to all its members, irrespective of caste, religion, gender, location, creed, language, socio-economic status, etc. वो कह रहे हैं ये तभी हो पाएगा जब आप सभी को शैक्षिक अवसरों की समानता देंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, स्थिति, क्रीड, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्थिति को बिलोंग करने वाला हो। फिर जो हमारी भारतीय पॉलिसीज आई हैं, यानी कि जो हमारे कमीशन आए हैं, आयोग गठित हुए हैं शिक्षा के, उन्होंने भी शैक्षिक अवसरों की समानता की बात की है। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था, जिसको राधाकृष्णन कमीशन भी कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन क्योंकि ये विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए बैठाया गया 1948 में और अपनी रिपोर्ट 1949 में सबमिट करता है। ये कहता है कि इसने कहा दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी डज नॉट मीन, यहाँ देखिए बहुत सटीक बात कही है और इसी अर्थ में हमको इक्वालिटी को समझना चाहिए। ये कह रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी का ये मतलब नहीं है कि आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटी देनी है, मतलब एक समान सबको अवसर देना, ऐसा नहीं है समान अवसर देने का मतलब। इट मीन्स द इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन फॉर एवरी क्वालिफाइड पर्सन। इसका मतलब ये है कि हर वो व्यक्ति जो क्वालिफाई है उसको हम शैक्षिक अवसरों की, सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया आज, समानता देंगे। It has reiterated that each person shall have educational opportunity of the kind and to the extent that it is suited to his capacity and interest and which represent his fair share of the total educational resources. तो बहुत अच्छी बात राधाकृष्णन कमीशन ने कही, इन्होंने कहा कि हर पर्सन यानी हर व्यक्ति को हम इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द काइंड, मतलब एक प्रकार की शैक्षिक अवसरों की समानता देंगे और इस उस सीमा तक देंगे ताकि वो अपना जो भी उसकी रुचि है उसको उसको वो जो भी उसकी क्षमता है उसको सूट करे, उसके हिसाब से हो और उसको सभी, मतलब जो संपूर्ण शैक्षिक संसाधन है उसका एक फेयर शेयर मिल सके, मतलब ऐसा ना हो कि उसको लगे कि उसके संग भेदभाव किया जा रहा है। उसी तरह से एजुकेशन कमीशन 1964 यानी कि 64 में बैठा है, एस्टैब्लिश किया गया, 66 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है जिसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं। ये कहता है रिगार्डिंग द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी यानी शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में, ये कहता है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अगर हम सामाजिक उद्देश्यों की बात करें तो उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य यही है, क्या, टू इक्वलाइज अपॉर्चुनिटी यानी हम अवसरों को बराबर बराबर दे सके, इनेबलिंग, इससे क्या होगा जो बैकवर्ड है, जो पिछड़े हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो विशेषाधिकार से रहित हैं, उस वर्ग और इंडिविजुअल को के लिए एजुकेशन एक लीवर की तरह से काम करेगा, एक एक्सीलरेटर की तरह से काम करेगा और उनकी दशा के सुधार में हेल्पफुल होगा। उसी तरह से इसी में आगे कह रहा है कि एवरी सोसाइटी दैट वैल्यूड सोशल जस्टिस, जो कोई भी समाज जो सामाजिक न्याय को महत्व देता है और क्यूरियस है टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द कॉमन मैन और अपने सामान्य जन के स्थिति को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, एंड कल्टीवेट ऑल अवेलेबल टैलेंट, मस्ट इंश्योर प्रोग्रेसिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो उसको जरूर ये इंश्योर करना चाहिए कि उसके सभी जो भी सामाजिक वर्ग हैं उनको शैक्षिक अवसरों की समानता उन तक पहुंचे। दिस इज द ओनली गारंटी फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ एन इगलिटेरियन एंड ह्यूमन सोसाइटी इन विच द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीक विल बी मिनिमाइज्ड। और ये एकमात्र ऐसी गारंटी है जो ये कह सकती है कि हमें ह्यूमेन, मतलब मानवीय और समतामूलक समाज का निर्माण कर सकेंगे जिसमें से जो कमजोर है उसका शोषण कम से कम होगा, मिनिमाइज्ड, कम ही हो सकता है, ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो गठित थी उसने भी बात की है शैक्षिक अवसरों की समानता पे। वो कहती है टू प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल नॉट ओनली इन एक्सेस बट आल्सो इन द कंडीशन फॉर सक्सेस, यानी कि हम सभी को समान शैक्षिक अवसर देंगे और न सिर्फ ये तय करेंगे कि उनको समान शैक्षिक अवसरों तक उनकी पहुंच हो बल्कि वो सीख सके ये दशा भी सुनिश्चित करेंगे, उनकी सफलता की दशा भी सुनिश्चित करेंगे। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इंप्लाइज गिविंग एन इक्वल चांस टू एवरी सिटीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर कैपेसिटी और एबिलिटी एंड नथिंग शुड बी अलाउड टू ऑब्स्ट्रक्ट वन्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली टिपिकल अटेंशन इज टू बी गिवन
to the underprivileged, the disadvantaged, the disabled, women and other child from backward communities. वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी कहा कि हमको किसी को मना नहीं करना है, सबको इक्वल चांस देना है और नथिंग शुड बी अलाउड, और कोई ऐसी चीज बात जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, जो इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सके, उसको अनुमति नहीं देनी है। और हमको खास ध्यान किस पे देना है, जो अंडर प्रिविलेज है, जिनको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, जो डिसएडवांटेज है, जो जिनको कोई लाभ नहीं मिल पाता, जो डिसेबल्ड है, जो अयोग्य है, जो महिलाएं हैं, और दूसरे जो बैकवर्ड कम्युनिटीज के चाइल्ड और वुमेन है, उन सबको हमको इंश्योर करना है कि उनके मार्ग में, उनके विकास के पथ पे कोई बाधा ना आए। फिर नीड एंड इम्पोर्टेंस, क्या जरूरत ही है, क्यों बात कर रहे हैं हम शैक्षिक अवसरों की समानता की, इसकी महत्ता क्या है। तो ह्यूमन राइट्स UDHR ने 1948 में कहा है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री, यानी कि सभी मनुष्य जो उत्पन्न हुए हैं, जिनका जन्म हुआ है, वो स्वतंत्र हैं और इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, और उनको समान, उनकी डिग्निफाइड तरीके से उनसे हमको पेश आना चाहिए, एक इज्जतदार तरीके से उनके अधिकारों की बात करनी चाहिए। ये सब depriving any person of education, और किसी भी व्यक्ति को हम अगर वंचित कर रहे हैं शिक्षा से, on the grounds of, और इस आधार पे कर रहे हैं कि वो किसी और खास धर्म का है, किसी जाति का है, किसी वर्ग का है, तो ये उसके मानवाधिकारों का हनन होगा। उसी तरह से इसकी नीड क्या है, essential for socialization, सामाजिकरण के लिए आवश्यक है। success of democracy, अगर हम प्रजातंत्र की सफलता की बात करें, उसके लिए आवश्यक है। egalitarian society, यानी कि हम समतामूलक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। economic and social development, अगर हम ऐसा सोच पाते हैं तो ऐसा कर पाते हैं, तो ये एक तरीके से आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करेगा। एडवांसमेंट ऑफ नेशन, और हमारा जो राष्ट्र है वो प्रगति कर सकेगा। सर्च फॉर टैलेंट, अक्सर देखा जाता है जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको चूंकि अवसर समान नहीं मिले तो वो विकसित नहीं हो पाते, उनका वो खत्म हो जाता है उनका टैलेंट, तो हमको ऐसा नहीं करना है, उनके टैलेंट को सर्च भी करना है और उसको हमको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करनी है। और मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि मॉडर्न हो गया है समाज, कहा जा रहा है सब बराबर है, कास्ट क्लास क्रीड इन सब ये सारे अंतर उस हिसाब से नहीं रह गए जैसे पहले थे, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी ये आवश्यक है। causes of inequalities, असमानता है ही क्यों समाज में, तो बहुत सारे रीजन है उसके। prevailing social disparities, सामाजिक जो विसंगतियां हैं, सामाजिक जो अंतर हैं जो अभी भी prevail करता है समाज में। gender disparity, अलग अलग है, लैंगिक विभेद जो है। डिफरेंस इन फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, को बहुत फिजिकली एबल है, कोई मेंटली बहुत एबल है, कोई मेंटली डिसेबल है, इस तरीके की बातें समानता को रोकती है। डिफरेंस इन होम एनवायरनमेंट, हमारे घर में बहुत कहा जाता है पढ़िए, आपके लिए पढ़ने के लिए आपको फैसिलिटेटर की भूमिका में होंगे, और दूसरे घरों में ऐसा नहीं भी हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप किस इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, कौन सा टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन है, कौन सा बस किसी तरह से डिग्री बांटने का काम वहाँ चल रहा है, वहाँ भी असमानता आएगी। पावर्टी, गरीबी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, नहीं है इतने पैसे कि चाहे जितना भी फ्री कर दें हम आपको भेज नहीं सकते, बिकॉज हमको लगता है कि उतनी देर में बच्चे से कोई और काम ले सकते हैं। वैसे बाल श्रम अब मना है, उसको एकदम ही प्रोहिबिटेड है, और राइट टू एजुकेशन है हमारे देश में लग चुका है, ये भी पता होना चाहिए। रीजनल इम्बेलेंसेज भी, क्षेत्रीय इम्बेलेंस, कई कोई क्षेत्र बहुत विकसित है, कोई कम विकसित है। लैक ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल, अभी भी लोग उस तरीके से उनकी चेतना जागृत नहीं है कि हाँ हमको बच्चे को पढ़ाना ही है, या शैक्षिक अवसर की समानता अगर प्रोवाइड की जा रही है तो हम उसको अवेल कर सकें एटलीस्ट। और फॉल्टी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, और कई बार शैक्षिक प्रशासन भी गलतियां करता है। एक और होना चाहिए, अच्छा इसकी लास्ट स्लाइड आई थिंक मिस हो गई, इट्स ओके। सो आई थिंक इसमें लास्ट वाली स्लाइड नहीं है, जो थैंक यू वाली स्लाइड, जल्दी से चलिए कोई नहीं। तो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। आपसे चाहे इस पे शॉर्ट नोट्स पूछा जाए, आपसे इस पे लॉन्ग आंसर पूछा जाए, आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं कि आया कहाँ, जेम्स कोलमैन से आया है, कोलमैन रिपोर्ट भी कहा जाता है, और समानता और समता में क्या अंतर है। अगर हम असमान लोगों को समान ट्रीटमेंट देंगे तो हम उनको असमान बना देंगे, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको देखना चाहिए उसके इंटरेस्ट। अगर सब लोग समान हैं तब तो आप इक्वालिटी करिए, लेकिन अगर सब असमान तो आप इक्विटी कीजिए। लेकिन फिर भी इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की बात होती है, क्योंकि कई कई कमीशन और कमिटीज ने ये भी कहा है कि इक्वल नहीं बल्कि आइडेंटिकल ट्रीटमेंट नहीं देना है, बल्कि उनकी जरूरत के हिसाब से देना है, ऐसा कहा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने जैसे कहा। फिर आपका ये जैसे पॉलिसी की बात हुई ना, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, इसने कहा ये कि इक्वल अपॉर्चुनिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, बट इसलिए कहा जा रहा है कि हर क्वालिफाइड पर्सन को हम अपॉर्चुनिटी दें एटलीस्ट।
फिर कोठारी कमीशन ने भी कहा, फिर आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी कह रही है कि आपको क्या करना है। उसी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की बात की है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि जब से हमको पता चल गया कि मानवाधिकार है, एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है, तो हमको किसी को भी हम वंचित नहीं कर सकते, सबको हमको फेयर ट्रीटमेंट देना होगा। ये नीड एंड इम्पोर्टेंस है। और उसके बावजूद भी विसंगतियां हैं, असमानताएं हैं, क्यों? क्योंकि सामाजिक रूप से ये इतना गहरी पैठ है कि इसको जाते जाते समय लगेगा। तो ये आपका शैक्षिक अवसरों की समानता का टॉपिक रहा। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।